अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच की एक बैठक शिवम बैंकट हॉल मुरादाबाद में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रामेंद्र सिंह ने की तथा संचालन दिनेश सिंह सिसोदिया ने किया। बैठक में के मुख्य अतिथि डॉक्टर ए के सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, मुख्य वक्ता कार्यकारी प्रांतीय श्री प्रेमवीर सिंह, श्री एस पी सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष कुमार सिंह, महेश दिवाकर तथा अरविंद कुमार सिंह एवं वीरेंद्र कुमार सिंह भी अतिथि रहे। बैठक में नगर निगम के चुनावों पर चर्चा हुई। डॉक्टर ए के सिंह ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षत्रिय समाज की जो अपेक्षा हुई है उसके बहुत आक्रोशित हैं तथा यह इस उपेक्षा का विरोध करे। बैठक में नगर निगम के चुनावों पर चर्चा हुई। डॉक्टर ए के सिंह ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षत्रिय समाज की जो उपेक्षा हुई है उसके से बहुत ही आक्रोशित हैं तथा यह इस उपेक्षा का विरोध करेंगे तथा 70 वार्डों में सुयोग्य उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। हम लोग ये क्षत्रिय विकास मंच की स्थापना के बाद कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और कार्यक्रम करते तो चले आ रहे हैं लेकिन उनका कोई फल या परिणाम इसको कहा जाए वो नहीं कर पा रहा है। इसकी मुख्य वजह जो मैंने अनुभव की है वो अभी भी हम लोग क्षत्रिय हैं कि साहब उससे बड़ा कोई नहीं, मैं ही बड़ा हूँ और मैं उसके साथ क्यों जाऊँ। ये जो सारी समस्याएं जो भी भाई साहब अरविंद जी कह रहे थे कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, वो प्रतिनिधित्व ना मिलने का कारण ये है कि कभी हम संगठित हुए ही नहीं। आज भी हमने ये मंच तो बना लिया लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि आज भी हम संगठित नहीं है। यदि किसी को इससे मेरे बात से विरोध में हो तो अपना आपत्ति जाहिर कर सकता है लेकिन मैंने जो अब तक फील किया है 2005 से जब तक ये संगठन की स्थापना हुई तब से मैं लगा हुआ हूँ और उस समय से ही मैं लगातार कार्यक्रम में भी आ रहा हूँ। इसलिए ही कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो अभी जो संगठन ना होने की जो वजह है, मुरादाबाद महानगर के महापौर के चुनाव के लिए समर्थन देने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया। यह समिति किसी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया जाए। श्री शिवपाल सिंह ही ने कहा, मुरादाबाद जिलों में जितने भी क्षेत्र संगठन काम कर रहे हैं उन सबको संगठित करके एक ज्वाइंट काउंसिल बनाई जाए जो इस क्षेत्र समाज की उपेक्षा का विरोध करेगा। राजनीतिक उपेक्षा इस हद तक की गई जहाँ क्षेत्र समाज अधिकारत में है वहां पर भी आरक्षित समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया। सभा में डॉक्टर शशि चौहान, के सिंह चौहान, मनोज चौहान, शिव कुमार सिंह, अशोक सिंह, जोगेंद्र सिंह चौहान, देवराज सिंह, सतीश चौहान, राजेश गौतम, एडवोकेट अखिलेश सिंह, उदयराज सिंह, सुरेश कुमार सिंह, अरविंद सिंह, आलोक प्रताप सिंह, किशन पाल सिंह, विजय भान सिंह, राणा ओंकार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्षत्रिय विकास मंच आज अपने क्षत्रिय बंधुओं को एकत्रित कर यहाँ पर कुछ ज्वलंत बिंदुओं पर अपनी राय लेना चाहता है जिससे कि हमारे समाज में आज के समय में क्या उनके मन में चल रहा है, आगे कैसे विकास किया जाए और किन बिंदुओं पर हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं, एक बिंदु ये भी है कि निकाय चुनावों के संबंध में हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, कितना होना चाहिए और अगर उस प्रत्युत्तर में या हमारी जितना हमारा मिलना चाहिए नहीं है तो भविष्य में हमें कौन कौन से पॉइंट इस पर उठाने हैं, इस विषय पर भी चर्चा इस मीटिंग में होगी। साथ में हमने विगत जो भी फंक्शन किए हैं उनकी समीक्षा भी इस मीटिंग में हम करने जा रहे हैं और भविष्य में हमारे कौन से कार्यक्रम होंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिस पर कि मुख्य बिंदु हमारा यह है कि महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति हम बहुत जल्दी हमारे प्रोग्राम में है, कब तक और कैसे प्रशासन से अनुमति लेकर लगाई जाए ये हमारा मुख्य बिंदु आज। थैंक यू सर।